चीन पाकिस्तान की भारत के खिलाफ बड़ी साजिश, चीन और पाकिस्तान की मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश। चीन की पीएलए के अफसरों का दो बार पीओके का पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का दौरा। जी हां, पीएलए, चीन की पीएलए के अधिकारियों का दो बार पीओके का दौरा और चीन की सेना ने लॉन्चिंग पैड का दौरा किया है। ये भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की साजिश। पीओके में 7 लॉन्चिंग पैड, 4 प्रशिक्षण शिविर, लीपा घाटी में पीएलए का एक दस्ता मौजूद है, स्कारदू गिलगित में 2 नए आतंकी प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए, 10 से 15 आतंकियों को बर्फ में लड़ने का बकायदा प्रशिक्षण दिया जाए। 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद घुसपैठ की ये प्लानिंग और आतंकी गुटों को पीएलए और आईएसआई की ये मदद। अब आप अंदाजा लगाइए कि कैसे घुसपैठ भारत में हो, कैसे दहशतगर्दी फैलाई जाए भारत में और वो आतंकी दहशतगर्दी कैसे फैलाए, इसके लिए कौन मदद कर रहा है पाकिस्तान की? चीन। पीएलए के अधिकारी बकायदा पहुंचे, बकायदा ट्रेनिंग दी गई, ड्रोन के जरिए हथियार ड्रग्स भेजने की तैयारियां भी हैं। आपने देखा भी होगा कि पाकिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर, पंजाब से विशेष तौर पर लगातार ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियार, भेजे गए टिफिन बम हमने देखा और दूसरी चीजें, ड्रग्स भेजे जा रहे हैं। आज भी पंजाब में 5 किलो आईईडी मिला है और शक यही है कि पाकिस्तान और खालिस्तानियों की ये साजिश हो सकती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है, जहां एक तरफ पंजाब में आईईडी का मिला और दूसरी तरफ चीन का एक्सपोज होना। चीन एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है कि कैसे वो आतंकियों की मदद कर रहा। अब तक पाकिस्तान सबके सामने था कि पाकिस्तान क्या करता है, लेकिन यहां तो पाकिस्तान यानी आतंकिस्तान की मदद चीन कर रहा है। चीन पाकिस्तान की ये भारत के खिलाफ बड़ी साजिश है और जानकारी मिली है कि चीन की पीएलए के अधिकारियों ने पीओके का यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का 2 बार दौरा किया, जिसमें उन्होंने लॉन्चिंग पैड्स का दौरा किया। आपको याद होगा कि लॉन्चिंग पैड्स पर भारत ने जो स्ट्राइक की थी उसके बाद से उबरना मुश्किल हो गया था, वहीं लॉन्चिंग पैड्स पर ये दौरा। चीन पाकिस्तान की ये भारत के खिलाफ बड़ी साजिश, जिसमें पीएलए के अफसरों का 2 बार पीओके का दौरा। चीन का पीओके का 2 बार दौरा करना है कोई सामान्य बात नहीं, और वो भी कहां का दौरा करता है? पीएलए के अधिकारी कहां जाते हैं? उन लॉन्चिंग पैड्स में जाते हैं जहां आतंकी होते हैं। पीओके में 7 लॉन्चिंग पैड, 4 प्रशिक्षण शिविर हैं और ये सब आतंकियों के हैं, जो कि लीपा घाटी में है और एक दस्ता पीएलए का लीपा घाटी में मौजूद है। स्कारदू और गिलगित में 2 नए आतंकी प्रशिक्षण केंद्र हैं। आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में पीओके में क्या क्या चल रहा है और कौन मदद कर रहा है आईएसआई की, पाकिस्तान की कौन मदद कर रहा है? चीन, जो भरोसेमंद है पाकिस्तान का, चीन, वो चीन मदद कर रहा है पाकिस्तान की और ये भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। दुनिया आगे की तरफ देख रही है और इन देशों का मकसद है कि कैसे भारत में, भारत को नुकसान पहुंचा जाए, कैसे भारत में अशांति रहे। लेकिन भारत की निगाहें हर तरफ होती हैं, भारत के खिलाफ ये साजिश बेनकाब हो गई है, क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान के साथ अब कौन है। उनके जो अड्डे हैं जहां से दहशतगर्दों को भेजते हैं, वहां पर नकलो हरकत के ऊपर नजर रखी जा रही है। उनकी कोशिशें बार बार होती हैं कि वो इन्फिल्ट्रेशन करें, मगर हमारी फोर्सेस, हमारी बॉर्डर पे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है और बॉर्डर के ऊपर बड़े अच्छे से सिक्योरिटी की ग्रिल को मेंटेन किया जा रहा है। आपने डीजीपी जम्मू कश्मीर को सुना, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी निगाहें हर तरफ है। तो चालबाज चीन और ये नापाक पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर में ये दम तोड़ते आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए घुसपैठ की साजिशें रच रहे हैं और मदद करने के लिए अब चीन के पीएलए के 2 अधिकारी पहुंच गए कि अब उनको और ज्यादा प्रशिक्षित किया जा रहा है, आतंकियों को ट्रेनिंग और ज्यादा प्रशिक्षण, कि ऐसे घुसपैठ नहीं कर पा रहे तो कुछ अन्य तरीकों को आप इस्तेमाल में लाइए, क्योंकि जो जो प्रयास करती है वहां से जो आतंकी या पाकिस्तानी सेना, मुंहतोड़ जवाब मिलता है सुरक्षा बलों की तरफ से। चीन और पाकिस्तान जो है वो दोनों एकजुट होकर ही हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हैं और पाकिस्तान, क्योंकि आजकल उसकी हालत आपको पता ही है कैसी है, वो चीन के भरोसे पे ही है और चीन जैसा कहेगा वैसा ही करेगा। इसीलिए पीओके
जेके में जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर चीनी जो है उनके सैनिक वहां पे उनको आके गाइड कर रहे हैं, किस हिसाब से उनको वहां डिफेंसेस या किस हिसाब से इन्फिल्ट्रेशन या किस हिसाब से और बाकी कार्रवाई जो है वो करें, क्योंकि चीन को अपना सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, उसका बचाव करना है उसने। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।